बुद्धि कुमार, मैं पिंडुआ हूँ। आज हम जेवी कैसेस के प्रत्याशी, जो कि जेवी कैसेस ऐसी पार्टी जो स्थानीय की बात करता हो, जन मुद्दे की बात करता हो, झारखंड में भ्रष्टाचार मुक्त की बात करता हो, उसी प्रत्याशी को बगोदर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर सलीम अंसारी जी से मिलाएंगे और इनसे रूबरू कराएंगे और साथ ही यहाँ की रणनीति को विषय में बताएंगे, कैसे फतेह कर रहे हैं बगोदर विधानसभा को, क्या है रणनीति, क्या है कार्यकर्ताओं का रुझान, क्या कुछ कह रही है पब्लिक, तमाम सवालों के जवाब लेकर हम पहुंचे हैं इनके पास। आइए मिलिए और तमाम सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। साथ ही साथ बगोदर की विधानसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस शुभ दीपावली का भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जो भी कैसा पार्टी है इसने आपको टिकट दिया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज जो JLKM के सुप्रीमो है टाइगर जयराम माथा, जिस तरह से उन्होंने हम पे भरोसा जताया, विश्वास जताया, बस मैं उसके विश्वास से खड़ा उतरूंगा और बगोदर का बदलाव करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। सारा चीज लगाने के लिए तैयार हूँ कि बगोदर बदलाव हो, जनता जो आज एक शासक के शासन में राज कर रही है, एक शासक का जो शासक आंसू से चलता आ रहा है, शासक के शासन में रक्षा करना है, बगोदर में बगोदर की जनता को शासन करना है। आपने कहा कि हम बगोदर की जनता का बदलाव करेंगे, लेकिन जब भी कैसे स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं, स्थानीयता की बात करती है, आप पार्टी में अभी नए ज्वाइन लिए हैं और आरोप है आपके ऊपर कि आपने टिकट जब भी कैसे का खरीदा है, इसे लेकर क्या कहेंगे? आरोप लगाने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता, किसी के मन की बात को हम कैसे जानते हैं, ये सब अफवाहें हैं, मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस टाइगर जयराम माथुर का विश्वास हम पे हुआ, उनको लगा कि अगर ये बदले तो मैं टिकट देता हूँ, शायद निकल जाए, इस भरोसे से इस उम्मीद से मैंने उनको सेलेक्ट किया और अपना टिकट लिया। क्या कुछ बदलाव करिएगा आप यहाँ? बिल्कुल बदलाव होगा। आज आज़ादी 78 साल से जो हो रहा है, जो मूलभूत सुविधाएँ मिलने चाहिए लोगों को, यहाँ की जनता को, वो अभी तक नहीं मिल पाया। अभी देखिए, जिस पार्टी का आज इसी क्रासन से आवाज़ उठा था, अरे गरीबी रेखा लाल कार्ड अंत्योदय कार्ड से उनका एक आंदोलन चला था, लेकिन वही पार्टी के आदमी जब डीलरों के द्वारा या जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा हजारों हजार क्विंटल चावल का गबन होता है और उस पर उनका एक सवाल नहीं आता है, एक स्टेटमेंट भी नहीं आता है, तो इससे क्या मतलब होता है, क्या कर रहे हैं वो, क्या गरीबों की भलाई कर रहे हैं? कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, ये तो विकास कर रहा है कि जनता को सुविधा दे रहा है, वो विकास कहाँ दे रहा है? विकास होता है भाई जो जिस जगह पर है उस जगह पर उसको रोजगार मिले, उसको विकास कर रहे हैं, इसको विकास नहीं कर रहे, सुविधा कर रहे हैं, एक के लिए नहीं कर रहा हूँ। लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कोई 5 समस्या आप बताइए जो कि बगोदर विधानसभा की जन समस्या है, यहाँ की प्रमुख समस्या है। 5 ही नहीं है, 5,000 बोलिए, 5,000 समस्याएं हैं यहाँ पे जो उंगली पे लिखी है। प्रमुख समस्याएं यहाँ के प्रमुख समस्याएं हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लेकर के लोग आज काफ़ी त्रस्त हैं। लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, यहाँ के लोग जिनको यहाँ रोजगार चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ जो शिक्षा चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए, वो सब नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत सारे मुद्दाएँ हैं। मुद्दा नहीं गिनती हमने कह सकता। झारखंड में BJP की भी सरकार बनी, JMM का भी सरकार बना और इन दोनों ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का ही मुद्दा रखा, आप भी वही मुद्दा रख रहे हैं, सेम जनता भी वही है, ऐसे में फिर आप पर कैसे विश्वास जनता करें कि आप जिन मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे हैं वो मुद्दा का समाधान होगा? भाई झारखंड का अहम मुद्दा ही यही है, लेकिन उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने मैनिफेस्टो में रखा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य रखा, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। आज अभी हालिया जो सरकार है अभी वर्तमान में हमारा हेमंत सरकार जो है, उन्होंने वादा किया था इलेक्शन के पहले कि मैं युवाओं को 5 लाख नौकरी दूंगा सालाना, लेकिन अभी तक 5 साल बीत गया और मात्र 15,000 को ही नौकरी मिला। अब किस तरह से मिला, वो नौकरी खरीदा है कि मिला हो, ये तो पता नहीं हमको। तो ये सब मुद्दाएं इलेक्शन में चलते रहता है। मैं अगर जनता हमको वहां तक पहुंचाती है, सदन तक पहुंचाती है, तो मैं अपने ओर से बगोदर की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मुद्दा, जो भी मेरा मैनिफेस्टो में है, उसको मैं अगर समय मिला
तो जरूर पूरा करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। क्या करता हूँ जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या कुछ जनता आपसे कह रही है और आप जनता से क्या कह रहे हैं? जनता से हमें उम्मीद है और जनता को भी मुझसे उम्मीद है कि इस बार अगर जो चुनाव आया है ये लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। मतलब की जनता पूरी बदलाव के मूड में है और यहाँ की जनता चाह रही है, उनको विकल्प नहीं था। आज जब से हम लोगों को होश हुआ है तब से भाजपा वाले ही देखते आ रहे हैं यहाँ पे। तो लोगों के मन में आया कि चलो भाई इस बार बदलाव हो, तो हमारा जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम माथुर ने वो हम पे विश्वास जताया और यहाँ जयराम पार्टी के उम्मीदवार को उतारा। और मैं अपने तरफ से जो भी हो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ की जनता को जो भी सुविधा अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जो मुहैया नहीं हुआ, उसको मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। जिंदाबाद। पिछले 30 साल से यहाँ पर लाल झंडा का ही शासन चलता हुआ रहा है। लाल झंडे के लोग कहते हैं कि शहादत दिए गया है लाल झंडा की तरफ से, उनके परिवार वालों ने यहाँ की जनता के लिए शहादत दिया है, गोलियां खाई है। ऐसे में आप जनता के लिए क्या किए, जो परिवार शहादत दिया उसको छोड़कर एक नए उम्मीदवार पर भरोसा करें? अरे शहादत इस चीज़ की शहादत, हम लोग तो नहीं जानते किसी का शहादत हुआ है यहाँ पे। कोई साजिश के साथ अगर किसी का कुछ होता है उसको अगर शहादत का दर्जा दिया जाए तो ये मेरे समझ से परे है। आज भगोदर विधानसभा के एक विधायक को उत्कृष्ट विधायक का उपाधि मिलता है हमारे विधानसभा में, वो कहाँ से उत्कृष्ट है ये हमको समझ में नहीं आता। लोग एक से एक अपना बात रखते हैं और बोलते हैं, ये सब अफवाह, ये सब कोई बात नहीं है, ऐसी कोई शहादत नहीं हुई है यहाँ पे। लोगों ने साजिश के तहत जो भी किया उनके साथ मैं भी उनको नमन करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनका मैं सम्मान करता हूँ जो उनके साथ हुआ। यहाँ कोई शहादत नहीं हुई, शहादत की कोई बात नहीं है। आप खबरों के माध्यम से देख रहे होंगे हर जगह सिलापट लगाया जा रहा है, अभी चुनाव के दिनों में हर दिन कहीं ना कहीं सिलापट कर योजनाओं का शिलान्यास किया जा, सिलापट लगाया गया, क्या कुछ लग रहा है ये चुनावी मुद्दा या फिर धरातल पर वाकई रूप से काम हो रहा है? ये चुनावी मुद्दा है। आखिर आज 5 तारीख से 2004 से लेकर 2024 तक आपकी यहाँ करने का आपको मौका मिला, क्योंकि अवश्य में सिलापट नहीं लग सकता था क्या? उसमें राज्य सरकार की योजनाएं नहीं थी क्या? उस समय की राज्य सरकार की योजनाएं थी तो आप ही क्यों लगा रहे हो आप? क्योंकि एक मुस्लिम कैंडिडेट आ गया यहाँ से उसको डर पैदा हुआ, तो धड़ाधड़ शिलान्यास कर रहे हैं और एक चुनावी रकम वसूल करने का ये सिस्टम है और कुछ नहीं। जेबी के अंदर का जो जन होता है उसको छोड़ अगर यहाँ की जनता आपको समर्थन शॉर्ट करिए, क्या कुछ करिए? शॉर्ट करिए ना, यहाँ के आदमी समय नहीं पहले ही बोला पाँच मिनट का ज्यादा जनता है, युवा रोजगार है, उनको रोजगार देने का काम और यहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मेरे सदन में समझता है यहाँ के लोग देता है, सबसे पहले यहाँ शिक्षा रोजगार और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ बहुत सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र खुले हुए लेकिन डॉक्टर। एक अंतिम सवाल है, जनता जनार्दन से क्या कही?